अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी डाटा को सीडी पे राइट करना चाहते हैं या डीवीडी पे राइट करना चाहते हैं या बर्न करना चाहते हैं, सीडी डीवीडी बर्निंग का अमल क्या होता है। अक्सर आपने ये सुना होगा कि सीडी बर्न की या डीवीडी बर्न की या डीवीडी राइट की, किसी भी डाटे को अपनी डीवीडी पर कॉपी करना, डीवीडी पे भर देना हमेशा के लिए, इस अमल को कहते हैं सीडी डीवीडी बर्निंग या राइटिंग। तो आपको मज़े की बात बताऊं कि अक्सर जो डीवीडीज या सीडीज होती हैं वो रीराइटेबल नहीं होती, कि आप एक ही बार जो भी उन पे डाटा भर देंगे, फीड कर देंगे, वो मुस्तकिल परमानेंट हो जाएगा जब तक कि वो ख़राब नहीं होती। लेकिन कई ऐसी सीडीज या डीवीडीज होती हैं जिन पे अगर आप डाटा चाहें तो जब मर्जी रीराइट कर लें, पहले वाले को आप ख़त्म कर दें। लेकिन रीराइटेबल डीवीडी सीडी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि रीराइटेबल सीडी डीवीडी ना खरीदी, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर आप उसको दो या तीन बार रीराइट कर लें तो वो जल्दी उसके ऊपर बैड सेक्टर आ जाते हैं और वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन में लंबे अरसे तक जो है वो ख़राब ना हो सीडी या डीवीडी पे, तो रीराइटेबल डीवीडी सीडीज ना लें, सिंपल लें। और उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का बेहतरीन डीवीडी राइटर कौन सा है। तो असूस बेहतरीन किस्म का सीडी डीवीडी राइटर है। वैसे सोनी भी है, सैमसंग भी है जो कि ये राइटर्स बना रहे हैं। इसे डीवीडी रोम भी कहते हैं, डीवीडी राइटर भी कह सकते हैं, बल्कि ये सुपर ड्राइव है क्योंकि ये सारे काम करता है। जो सारे काम करे, रीड भी करे, राइट भी करे, सीडी भी, डीवीडी भी, तो उसे कहते हैं सुपर ड्राइव। तो ये सुपर ड्राइव है, असूस का सुपर ड्राइव है। कीमत इसकी मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि बड़ी मुनासिब सी कीमत है, 2000 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो मैंने दो लिए, दो मैंने इसलिए लिए हैं कि मेरे कंप्यूटर में दो लगने की गुंजाइश है, बल्कि तीन भी लगने की भी गुंजाइश है। तो चलिए इन सुपर ड्राइव्स को इंस्टॉल करना सीखते हैं कि आप कैसे इनको अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है, इसको बाहर निकाल के देखते हैं कि कैसी लुक इसकी नज़र आती है, असूस के डीवीडी रोम की या सुपर ड्राइव की। तो असूस का ये सुपर ड्राइव कुछ ऐसा नज़र आएगा, सामने से ब्लैक और पीछे से आपको ये देखे नज़र आ रही है पोर्ट्स लगने की जगह, जिसमें डाटा केबल और पावर केबल लगने की गुंजाइश मौजूद है, और साटा ऑप्शंस के साथ ये सुपर ड्राइव हमें मिला है। और इसके साथ ही आप ये देखें, इसके साथ कुछ एसेसरीज मौजूद हैं जिसमें कुछ मैनुअल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मैनुअल्स, और ये चार पेच आपको मिले हैं, चार स्क्रूज मिले हैं इस सुपर ड्राइव को पीसी में टाइट करने के लिए। और ये कुछ मैनुअल्स हैं जो कि बिल्कुल बेकार चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ जो कि आपकी हेल्प करे। ये प्लग एंड प्ले है, किसी किस्म की इसमें टेंशन की बात नहीं है। ये एक अदद आपको डीवीडी मिलेगी और या ये सीडी है। मेरे ख्याल सीडी का फ़ायदा ये है कि इसमें फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, या इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा। तो चलिए जिसको अपने पीसी में डाल के टाइट कर देते हैं। ये मैंने एक डाला और ये मैंने डाल दिया सुपर ड्राइव दूसरा, और दोनों को जब मैंने डाला तो दोनों को मैं एडजस्ट करूँगा, एनलाइन करूँगा, बिल्कुल सीधा करूँगा। सीधा करने के बाद मैं पेच जो है वो टाइट कर दूँगा, स्क्रू टाइट कर दूँगा स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो ऐसे इंस्टॉल हो जाएंगे मेरे पीसी में। और आप ये देखें, मैं अब स्क्रूज़ को टाइट कर रहा हूँ और एनलाइन हो गए हैं। सिंपल सा इतना सा काम है, और प्लग एंड प्ले है, और इसकी जो प्राइस है वो 2000 रुपये पर पीस। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल असद अली टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन का जो बेल का निशान है, घंटी का निशान है, उसको नहीं दबाया तो उसका नुकसान क्या है सुन लें। उसका नुकसान ये है कि आपको मेरे चैनल पर जब नई वीडियो आती है ना, वो पता नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो घंटी वाले निशान को दबाएँ, ये मेरे चैनल के नीचे जो घंटी का निशान बना नज़र आ रहा है, इसको भी एक बार दबा लें। जब घंटी का निशान जो है बजने की हालत में आ जाए तो इसका मतलब कि नोटिफिकेशन ऑन हो गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।